नंदपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक घर का चिराग बुझा दिया। चालक की लापरवाही से 8 वर्षीय बच्चा मौत का शिकार हुआ। मृतक की पहचान अनुराग सिंह के तौर पर हुई। थाना बस्ती पठाना ASI कौर सिंह ने मृतक के पिता सतनाम सिंह की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक लवप्रीत सिंह निवासी रैलो के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह मजदूरी करता है और अनुराग सिंह उसका इकलौता बेटा था। 25 जनवरी के बाद दोपहर अनुराग स्कूल से घर लौट रहा था। गांव की फिरनी के पास तेज रफ्तारी से ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे आरोपित ने अपना ट्रैक्टर अनुराग के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। मैं इतला मिली सी कि सतनाम सिंह पुत्र गुरमीत सिंह वासी आनंदपुर का बेटा जिहड़ा अनुराग सिंह है, उम्र करीब 8 साल, तीसरी क्लास में बाबा फतेह सिंह स्कूल में पढ़ता। वो अपन स्कूल की वैन तो उतर के अपने घर को छुट्टी करके पैदल जा रहा है। उसका पिता उन्होंने फिरमी के टोभे से लेने लिए आया सी, जिदे दौरान जो ट्रैक्टर है एक सोनालिका PB23X5708 बड़ी तेज रफ्तारी नाल आया। इन्हें लिया के और ट्रैक्टर है बच्चे दे उत्ते चढ़ाता अनुराग। कित्थे को होया सर ये हादसा? ये नंदपुर कलौड़ फिरमी दे कोल जिथे डिपू बनया हुआ राशन का डिपू जी नटोबे दे कोल, ते उत्थे उन्हें चढ़ाता जिहड़ी बच्चे दा मौके ते बच्चे दी मौत हो गई कुचले गए पैरां दे नाल। सिविल अस्पताल बसी पठाना दाखिल, मतलब कि डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करा कर जी लाश है अंतम संस्कार लिए उन्होंने वारसा के हवाले की गई। तो मिति कल अपने 26/1/2020 जो ड्राइवर है वह सी जसप्रीत सिंह उर्फ लवप्रीत पुत्र दर्शन सिंह वासी रेलो न मुकदमा हजा भी गिरफ्तार करके तो ट्रैक्टर ट्राली न कब्जा पुलिस लिया गया। अगली कार्रवाई अमल में लिया गई, जिसके खिलाफ भी कोई होर सबूत आया इस मुकदमे के बनती कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। फतेहगढ़ साहिब से संदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।